Again, welcome to all my listeners to the Learning Zone channel. Today, we are going to present future continuous tense. Ab friends, jaise ki iske naam se hi show ho raha hai ki future continuous tense, jo kaam future mein continue hoga, wo hota hai future continuous tense. Jin vakyon ke ant mein raha hoga, rahi hogi, rahe honge. ये आते हैं ये वर्ड्स तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होते हैं जैसे कि प्रेजेंट में रहा है रही है रहे हैं पास्ट में रहा था रही थी रहे थे उसी तरह से फ्यूचर में रहा होगा रही होगी रहे होंगे जिन वाक्यों के अंत में ये आते हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होते हैं इन वाक्यों की जो बनाने के जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी plus first form of verb plus ing and then object. Future indefinite or continuous mein ke rule mein ye difference hota hai ki isme be aa jata hai helping verb ke baad will be shall be. Ravi will still be sleeping. Ravi abhi tak abhi bhi so raha hoga. You will be playing. Tum khel rahe honge. They will be going to their village. Ve apne village ja rahe honge. Shyama will be teaching music this time. Shyama music padha rahi hogi. Shyama will be teaching music this time. Sonal will be distributing books among children. Sonal bachcho ke beech books distribute kar rahi hogi. To isme first form ke saath ing ka use karte hain lekin उससे पहले बी और उससे पहले विल शैल यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का इसमें यूज करते हैं नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा की तरह सारे टेंसेस की तरह से हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है बाकी का रूल एज इट इज रहता है रवि विल नॉट बी स्लीपिंग रवि नहीं सो रहा होगा He will not be telling lie. वह झूठ नहीं बोल रहा होगा. They will not be going to their village. वह अपने village नहीं जा रहे होंगे. Madan will not be going to market this time. Madan इस time market नहीं जा रहा होगा. Sonal will not be distributing books among children. Sonal बच्चों के बीच books distribute नहीं कर रही होगी. तो एक केवल नहीं जो word है not वो हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें ऐड कर देने से वो नेगेटिव में चेंज हो जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे कि मैं अभी तक बताती आई हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में जब हम ऐड कर देते हैं तो वो इंटरोगेटिव में चेंज हो जाते हैं लाइक विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट शैल वी नॉट बी बाइंग द गुड्स क्या हम सामान नहीं खरीद रहे होंगे विल ही बी टेलिंग द लाई क्या वह झूठ बोल रहा होगा वेल विल यू बी प्लेइंग विद रोहित तुम रोहित के साथ कहाँ खेल रहे होंगे अब देखिए सर वेयर आया है जो एक क्वेश्चन वर्ड है कहाँ तो जब सेंटेंस के बीच में कहाँ वर्ड आया कि तुम रोहित के साथ कहाँ खेल रहे होंगे तो उस कहाँ का जो मीनिंग है वेयर उसको हमने सबसे स्टार्टिंग में रख दिया उसके बाद वो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है विल का देन सब्जेक्ट देन बी एंड प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी देन सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स यहां पर देयर इज अ टाइपिंग एरर इन दिस सेंटेंस यू इसमें दो बार टाइप हो गया एक तो अल्फाबेट यू एंड यू नेक्स्ट सेंटेंसेस Will Madan be going to market this time? Kya Madan will not be going to market this time? Sorry. To isme agar hum will Madan be going to market this time? Isko is tarah se bolte hain kya Madan is time market ja raha hoga? To negative mein humne ye kiya tha. Madan will not be going to market this time. Helping verb ke baad not aa jata hai. Usi tarah se interrogative mein helping verb starting mein aa jata hai. और इसको हम इस तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं विल मदन नॉट बी गोइंग टू मार्केट दिस टाइम क्या मदन इस टाइम मार्केट नहीं जा रहा होगा तो इसमें क्वेश्चन भी पूछ लिया है और नहीं वर्ड भी आ गया है
Will Sonal be distributing books among the children? क्या सोनल बच्चों के बीच बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी? तो ये थे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के. सो फ्रेंड्स, मेरे अगर वीडियो आप लोगों को ये पसंद आई हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को. सो लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए. थैंक यू फ्रेंड्स.